हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल बॉक्स ऑफ द ग्रेट पे। आज का वीडियो ये जो मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक्चुअली जब से आपने एक इंसिडेंट सुना होगा पिटबुल वाला, और जब से वो इंसिडेंट हुआ है चैनल पे भी लोगों की क्वेरीज आई हैं, और पर्सनल लेवल पे भी मैंने देखा है लोग मेरे से क्वेरी करते हैं, या कुछ लोगों ने मुझे कंसर्न होके, क्योंकि मेरे पास भी एक डॉग है तो इसलिए मुझे ऐसे उस वीडियो को भी भेजा कि अरे आपके घर में भी डॉग है तो तुम ध्यान रखो, जो रिलेटिव्स हैं मतलब जो मेरे अपने हैं और उनको लगा कि उन्हें मुझे इंसिडेंट बताना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझसे चैनल पे ही पूछा कि आपका क्या टेक है इस पे। देखो, मैं एक ही चीज़ कहने वाली हूँ आपको कि डॉग्स बहुत अच्छे क्रिएचर्स हैं, बड़े प्यारे और वफादार जानवर हैं। ऐसा क्यों हुआ इसके, देखिए हम वहाँ पे नहीं प्रेजेंट थे तो इसके कुछ ना कुछ सर्कमटेंसेस रहे होंगे। पूरा का पूरा दोष हम डॉग को या उस पर्टिकुलर ब्रीड को दे दें ये ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि लोगों का एकदम पिटबुल के बारे में नज़रिया ही बदल गया है और लोग एक डर से और हेट से उसको देख रहे हैं, तो ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। पिटबुल हो या कोई दूसरा ब्रीड हो, हर एक ब्रीड में हर एक डॉग का अपना अपना एक नेचर होता है, ब्रीड वाइज भी और पर्सनली भी। जैसे कि हम सब इंसान हैं लेकिन हम सबका अपना अपना नेचर है, कोई शांत है, कोई एग्रेसिव है, ऐसे ही डॉग्स का है। तो अगर आपको एक सलाह मैं सिर्फ दे सकती हूँ कि देखिए, हम जब वहाँ नहीं थे तो हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि ऐसी ब्रीड्स बिल्कुल ही नहीं पाल सकते। अगर आप नहीं पालते हैं, घर में आप कोई शांत वाली ब्रीड पालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना इंडी डॉग पालो, मैं तो कहती हूँ सबसे बढ़िया है, अडॉप्ट करो, उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपको भी एक अच्छा प्यारा डॉग मिल जाएगा। तो अडॉप्ट कर लो, सबसे बढ़िया चीज़ है, इंडी डॉग पालो अपना। लेकिन अगर आप ऐसी ब्रीड्स पालना ही चाहते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रीड्स होती हैं तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाइए। छोटा बेबी हो तभी से पालिए ताकि वो आपसे अटैच रहे, और प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाइए, और फिर उसमें भी इस चीज को नोटिस करिए कि उसका नेचर किस तरीके का है। अगर वो ज्यादा अग्रेसिव या कुछ है तो आपको उसे अलर्ट भी रहने की जरूरत है और उसको अच्छी ट्रेनिंग दिलाने की भी जरूरत है ताकि वो आपके कमांड्स माने। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, स्पेशली ट्रेनिंग एक बहुत आपको हेल्प कर सकती है अगर आप इस तरह का डॉग पाल रहे हैं। हम जो नॉर्मल डॉग्स पालते हैं या शिह त्ज़ू वगैरह पालते हैं और लैब्रास पाल लिए, इस तरह के डॉग्स जो होते हैं इंडियन स्पिट्स वगैरह, ये बेचारे बड़े प्यारे से, शांत से, क्यूट से डॉग हैं। इवन मेरे पास इंडी है, ये भी बहुत क्यूट सा डॉग है। पिटबुल या और दूसरी इस तरह की जो ब्रीड्स हैं, लोग घर में पाल तो लेते हैं, रॉटविलर वगैरह, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और अलर्टनेस यही है कि आप उसका नेचर को समझें, उसको इरिटेट ना करें और उसको प्रॉपर ट्रेन जरूर कराएं। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ पालते हैं तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। और हर डॉग का अपना नेचर है, आपने अगर एक इंडी भी पाला हुआ है तो उसका भी नेचर, किसी का बहुत सॉफ्ट होगा, किसी का अग्रेसिव होगा। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे टावर में ही मैंने देखा है, यहाँ पे शिह त्ज़ू है, वो इतने प्यारे हैं, बिल्कुल भौंकेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, खेलेंगे, बिल्कुल क्यूट से बच्चे हैं। लेकिन एक ऐसा भी है जो शिह त्ज़ू है, पर वो हर बंदे से भौंकता है, वो किसी के साथ फ्रेंडली नहीं है, ना वो डॉग के साथ ना वो इंसान के साथ। तो ये डॉग टू डॉग भी डिफर करता है कि उसका नेचर कैसा होगा। किसी पर्टिकुलर ब्रीड के लिए अपने मन में हेट पालना या डर पाल लेने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक इंसिडेंट को देख के जजमेंटल हो जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अलर्ट रहने की या अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत जरूर है, वो आप भी अपने डॉग की करा सकते हैं अगर आप इस तरह का डॉग पाल रखा है आपने या पालना चाहते हैं तो। सो मेरा यही टेक है। काफी लोग पूछ रहे थे आप कुछ कहें कहें कहें, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको इतना हेट पालने की जरूरत नहीं है। हम उन सर्कमटेंसेस को नहीं समझ सकते वो क्यों इरिटेट हुआ, जैसे हम कभी गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, जानवर भी हो सकता है। तो ऐसा ब्रीड पालें तो ट्रेन करा लें, थोड़ा सा अलर्ट रहे, उसके नेचर को समझने की कोशिश जरूर करें। और ये हर एक डॉग में, आपने कोई भी ब्रीड पाली हुई हो, उसके नेचर को समझ के रिएक्ट करें। कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो उससे बहुत ट्रिगर करती होंगी, इरिटेट करती होंगी, जिनको वो बहुत डिसलाइक करता होगा या जिनका बहुत फियर होगा, तो वो अग्रेसिव हो सकता है, अटैकिंग मोड में आ सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फियर है। जैसे बॉक्सर को इंजेक्शन का बहुत ज्यादा फियर है, तो इंजेक्शन के टाइम में श्रेष्ठ को उसके साथ नहीं जाने देती क्योंकि वो उस पर अटैक करने लगता है, उसको वो अपने बराबर का फ्रेंड समझता है, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड ही हैंडल करते हैं। तो ये ऐसे आपको अपने डॉग का नेचर समझ के थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एंड दैट्स इट। और भैया, मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैंने खुद ने भी किया है, कि आप इंडी डॉग को अडॉप्ट करिए, बेस्ट। तो एक डॉग का भी भला होगा, आपको भी एक प्यारा सा अच्छा सा बेबी घर में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, इतना ही मुझे कहना था, और आप ब्लॉग्स बहुत पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, बॉक्सर को आप बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, इसी तरह भेजते रहिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आप किस सिटी से देख रहे हैं, पता तो चले कि बॉक्सर के लिए प्यार कहाँ कहाँ से आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।